Hi everyone, this is your host and mentor Prem Pandey. Welcome back to Educational Hikes, the fundamental unit of life के आखिरी part का इतने दिनों से इंतजार करने के लिए और इस chapter के पिछले दोनों parts को अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद. एक और बहुत important बात, पिछले कुछ दिनों में मेरा laptop खराब हो गया था, जिसकी वजह से ये video मैं फोन से ही बना रहा हूं. अगर आपको किसी भी तरीके की ऑडियो और वीडियो प्रॉब्लम आती है तो मैं उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी हूं. एक बात और, अगर आपने पहली पार्ट और दूसरे पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो ऊपर आई बटन से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर देख लें, तभी थर्ड पार्ट की तरफ चलें. तो अगर आपने उन दोनों पार्ट्स को देख लिया है तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ थर्ड पार्ट. हमने पार्ट टू को जहां फिनिश किया था, सेम वहीं से हमने पार्ट थ्री को स्टार्ट किया है. आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. और इस वीडियो का पहला टॉपिक सेल ऑर्गेनल्स. देखो भैया, हम सेल के अलग अलग हिस्सों के बारे में जानने से पहले ही जानेंगे कि ये सेल ऑर्गेनल्स अजूरा किस चिड़िया का नाम है. जानेंगे जरूर. अगर आपको एक मैं हिंट दू ना, तो जैसे हम इंसानों के बॉडी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, हम पार्ट्स कहते हैं, लेकिन हम सेल के अलग अलग पार्ट्स को पार्ट्स ना कहकर ऑर्गेनल्स कहेंगे. समझ में आया? एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कॉन्टेंट्स सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. देखो, हर सेल के अंदर अपनी बाउंड्री होती है. ये बाउंड्री क्या करते हैं, सेल के अंदर की चीजों को सेल के बाहर की चीजों से अलग करते हैं. लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स. अब जो बड़े सेल्स होते हैं जिनकी बनावट बिल्कुल अजीबो गरीब होती है, जैसे हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम इंसान हो गए, प्लांट्स हो गए, अब हमारे जो सेल्स होते हैं ना, नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे सेल्स की बनावट बहुत अजीब होती है. आप देख पा रहे हो, आप देख रहे हो ह्यूमन सेल यहाँ पर दिख रहा है. ह्यूमन सेल अंदर कितनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है. अब इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए और सेल के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो अपना फंक्शन रेगुलरली करती रहे, इस वजह से सेल के अंदर कुछ केमिकल एक्टिविटीज होता है. जैसे क्या होता है, सेल के अंदर प्रोटीन बनता है, सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होता है ताकि पूरा सेल अपना फंक्शन कर पाए. सेल के अंदर डीएनए की कॉपी बनती है. ये कहलाते हैं सेल्स के अंदर होने वाले कुछ केमिकल एक्टिविटीज. अब ये केमिकल एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर सेल को जिंदा रहना है तो उनके अंदर ये एक्टिविटीज होना इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है. टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन ब्राउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स विद इन देमसेल्स. देखो, होता क्या है कि हमारे सेल के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं. अब इन ऑर्गेनल्स का अपना अपना अलग काम है. आप ये देख पा रहे हो, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग काम होता है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का अलग काम होता है, ये कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहलाता है. लेकिन आप देख पा रहे हो, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स अपने अपने बाउंड्री के अंदर हैं. इन्हीं को हम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स कहते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बाउंड्री से घिरे हुए हैं. ये क्योंकि जो ये एक्टिविटीज करते हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स जो भी एक्टिविटीज करते हैं, ये दूसरे हिस्सों से मिल ना जाए, इसलिए इनकी बाउंड्री बना दी गई है. जैसे फैक्ट्रीज में होता है, फैक्ट्रीज में क्या होता है, फैक्ट्रीज में मैनेजर का केबिन अलग होता है, एम्प्लॉयज का वर्किंग एरिया अलग होता है. एक पूरा प्लेस डिसाइड होता है कि एम्प्लॉयज यहीं रहेंगे, मैनेजर यहीं रहेगा, बॉस यहां रहेगा. क्यों? ताकि उनका एक दूसरे से काम मिक्स ना हो जाए. बिल्कुल सेल के अंदर भी ऐसा होता है. सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं और इनकी एक्टिविटीज एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए, इस वजह से उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है, बाउंड्री लगा हुआ होता है. दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम
प्रोकैरियोटिक सेल्स। देखो ये जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताए कि सेल के अंदर अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके चारों तरफ बाउंड्री लगी हुई होती है, ये सारे फीचर्स केवल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है। मैंने बताया था यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल उसे कहते हैं जिनके न्यूक्लियस में बाउंड्री होती है। तो भैया बाउंड्री वाले अगर सेल्स की बात हो ना तो वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब विथाउट मेम्ब्रेन विथाउट बाउंड्री वाले सेल्स, यही यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल्स के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, बाउंड्री होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके चारों तरफ बाउंड्री नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती। सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गॉल्गी अपार्टस हो, न्यूक्लियस हो, आप इनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा छोटी हैं और आप इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हो। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेक्शन, हमने सेकेंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में न्यूक्लियस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विच वी विल डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी अपार्टस, लाइजोजोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। देखो सेल के अंदर एक जो बहुत ही मेन हिस्सा होता है न्यूक्लियस, उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो बचे हुए हिस्से हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गॉल्गी अपार्टस किसे कहते हैं, लाइजोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, अब इन सब के बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दे आर इंपॉर्टेंट, ये सारे सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि इनका सेल के अंदर अपना अलग अलग एक क्रूसियल फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इन सेल ऑर्गेनल्स के बिना सेल अपनी पूरी एक्टिविटीज को कंप्लीट नहीं कर सकता। सेल ऑर्गेनल समझ में आया? लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भैया ये है क्या? द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्ट फॉर्म में आप इसे ER कह लो, इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर कहाँ होता है? जहां पर तुम्हें बहुत सारे ट्यूब्स और शीट्स के गुच्छे दिखें, समझ जाओ वही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर हम सेल को जूम करके देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसा दिखता है, देख रहे हो आप, लंबे लंबे ट्यूब्स हैं, इसमें शीट्स लगी हुई हैं, एक शीट, दो शीट, तीन शीट, ठीक है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबोल्स और राउंड और ओबलोंग बैग्स। आपने ओबलोंग बैग्स देखे, ये जो गोले वाले बैग्स होते हैं, आपने ऐसे बैग्स देखे हैं? बिल्कुल इन्हीं के तरीके का स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो बाउंड्री देख रहे हो आप, ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हो, ये बिल्कुल सेल के मेम्ब्रेन की तरह होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरीके से होती है, इनकी बनावट बिल्कुल सेम होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप अगर इस ER को देखो तो एक जो हिस्सा दिख रहा है वो काफी रफ है, काफी खुरदुरा है, इस हिस्से को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जो दूसरा देख रहे हो आप वो काफी चिकना है, इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो RER होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लुक्स रफ, वो देखने में काफी खुरदुरा दिखता है। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखें तो ये देखने में काफी खुरदुरा दिखता है। क्यों? बिकॉज इट हैज अ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स attached to its surface. आप देख रहे हो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं RER के सरफेस पर, तुम्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, ये पार्टिकल्स राइबोसोम्स कहलाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर ये पार्टिकल्स चिपके हुए होते हैं, दैट्स वाई इन्हें हम रफ कहते हैं। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स देख रहे हो, जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं, इनका क्या काम होता है? ये प्रोटीन को बनाते हैं, ये प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर बना हुआ प्रोटीन कहां जाता है? द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन
सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड. सेल के अलग अलग हिस्सों को जितनी जरूरत होती है यही रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. और ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसका यूज होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रोटीन्स को सेल के अलग अलग हिस्से या दूसरे सेल्स में पहुंचाने का काम करती है. द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स. रफ इंडोप्लाज्मिक हमने देख लिया, ये प्रोटीन्स बनाती हैं. जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट्स बनाती हैं या लिपिड्स बनाती हैं. लिपिड्स, फैट, ऑयल, विटामिन, ये सारी चीजें मिलके लिपिड्स कहलाती हैं. तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाने के काम में आती हैं, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन. ये लिपिड्स सेल को पूरी तरीके से अच्छे से काम करने में मदद करती हैं. सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. मैंने बताया था जो सेल की बाउंड्री होती है, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनती है. ये प्रोटीन और लिपिड उन्हें कहाँ से मिलता है, उन्हें प्रोटीन राइबोसोम्स देता है और लिपिड्स स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाकर देता है. और सेल मेम्ब्रेन के बनने के प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायगोनेसिस कहते हैं. बायगोनेसिस का मतलब क्या होता है, मेकिंग ऑफ मेम्ब्रेन. ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन जब बनता है इस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायगोनेसिस कहते हैं. गॉट इट. सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स. अब सेल मेम्ब्रेन को बनाकर जितने भी प्रोटीन और फैट्स बच जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो एंजाइम्स और हॉर्मोन बनाने में यूज हो जाते हैं. एंजाइम्स का क्या काम होता है, एंजाइम्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. वो थ्रू आउट द सेल कॉम्युनिकेट करते हैं, वो न्यूक्लियस से कॉम्युनिकेट करते हैं, वो सेल के अलग अलग हिस्सों से मैसेजेस लेते हैं और भेजते हैं. ऑल्दू द ER वैरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम. चूंकि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो हर सेल में दिखने में कुछ अलग अलग ही रहेगा, लेकिन जहां भी तुम्हें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा वो हमेशा नेटवर्क सिस्टम में रहेगा, गुच्छों में होगा. तुम्हें बहुत सारे ट्यूब्स और शीट्स के गुच्छे दिखेंगे. समझ जाना यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ओके, तो भैया हमने इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है. अब हम ये जानेंगे कि ये ERs सेल के अंदर काम क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर. देखो साफ साफ लिखा है कि वन फंक्शन ऑफ द ER इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स. देखो सबसे पहला काम इनका ये होता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के अलग अलग हिस्सों में. कौन से मटेरियल्स को, प्रोटीन्स को ये सेल के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाते हैं. देखो साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजंस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गॉल्गी अपार्टस हो गया, यहां तक अगर हमें प्रोटीन पहुंचाना है तो यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही पहुंचाएगा. इसके अलावा बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म से अगर प्रोटीन को न्यूक्लियस तक भी ले जाना हुआ ना, तो यही ERs ही ये काम करते हैं. दूसरा काम क्या होता है इन ERs का, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा फंक्शन ये होता है कि द ER ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. देखो ये जो endoplasmic reticulum होते हैं ये cytoplasm का framework का काम करते हैं, cytoplasm के structure को complete करते हैं और अपने अंदर ये बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज को कैरी ऑन करते हैं. इनके अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं. जैसे देखो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, देखो यहां पर लिखा गया है कि इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं पता है आपको, ऐसे जानवर जिनके बॉडी में बैकबोन होती है. जैसे हम इंसान, हमारी बॉडी में क्या होता है, बैकबोन होता है. टाइगर हो गया, चीता हो गया, लॉयन हो गया, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इन सभी के बॉडी में बैकबोन होता है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, वर्टिब्रेट्स कहलाएंगे. तो देखो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, इनका जो लीवर होता है और लीवर का जो सेल होता है, जो लीवर सेल्स होते हैं,
इन लीवर सेल्स के अंदर ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैंने बताया ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ, तो जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वर्टिब्रेट्स के लीवर सेल के अंदर पॉइजंस और ड्रग्स के असर को कम करते हैं, डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। तो आई होप कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फुल फंक्शन के बारे में पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, भैया गॉल्गी अप। वैसे मजा आ रहा है कि नहीं सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़कर, और एक चीज और जान लो कि ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हम इंसानों के सेल के अंदर भी होते हैं। तो यार सोच के देखो कि ये जितने हिस्से हम पढ़ रहे हैं ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। गॉल्गी अपार्टस, पढ़ते हैं कि क्या है ये। द गॉल्गी अपार्टस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई कैमिलो गॉल्गी। देखो कैमिलो गॉल्गी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के अंदर सबसे पहले गॉल्गी अपार्टस को देखा था, और इन्होंने ही लोगों को इसके बारे में बताया, इसलिए इस गॉल्गी अपार्टस का नाम भी इसी साइंटिस्ट कैमिलो गॉल्गी के नाम पर रखा गया है। वैसे गॉल्गी अपार्टस को तुम पहचानोगे कैसे, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखने में ये कैसे होते हैं सेल के अंदर? देखो लिखा गया है कि कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टेक्स कॉल्ड सिस्टम्स। ये जो गॉल्गी अपार्टस होते हैं ये ऐसे कह सकते हो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, मतलब कुछ थैली की तरह होते हैं जिनमें बाउंड्री लगी हुई होती है। आप ये गॉल्गी अपार्टस को देख पा रहे हो, ये गॉल्गी अपार्टस कुछ बैग्स की तरह दिखते हैं, थैली की तरह दिखते हैं, बस इन थैलों में बाउंड्री लगा दी गई है और ये बन गए हमारे गॉल्गी अपार्टस। ये गॉल्गी अपार्टस अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, ये आप देख पा रहे हो ये बिल्कुल बराबर में है एक दूसरे के, एकदम पैरेलल में है, और इन स्टेक्स, और ये जहां भी दिखेंगे ना गुच्छों में दिखेंगे, मतलब बहुत ढेर सारे ये वेसिकल्स एक साथ रहेंगे, समझ जाना यही गॉल्गी अपार्टस है, ठीक है। और ये गॉल्गी अपार्टस जिन वेसिकल से मिलकर बनता है, ये देख रहे हो आप इसमें, इस गॉल्गी अपार्टस के ऊपर वाले पिक्चर में तुम्हें कितने वेसिकल्स दिख रहे हैं, कितने थैले दिख रहे हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5 वेसिकल्स हमें दिख रहे हैं। अब इन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, हम इन्हें सिस्टर्न्स कहते हैं। सिस्टर्न का मतलब पता है, सिस्टर्न का मतलब भी टैंक होता है, टंकी होती है। तो ये जो गॉल्गी अपार्टस है ये कुछ टंकी की तरह दिखता है, इसलिए हम इनके एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल को सिस्टर्न का नाम देंगे। गॉट इट? इसमें कितने हैं, ये ऊपर वाले में 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो इसके अंदर 5 सिस्टर्न्स हैं। गॉट इट? सिस्टर्न क्या होता है, समझ में आया? आगे चलते हैं कि दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ER. देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि ये जो गॉल्गी अपार्टस के मेम्ब्रेन होती है, ये जो बाउंड्री तुम्हें दिख रही है ना गॉल्गी अपार्टस के चारों तरफ, अब ये बाउंड्री कहीं ना कहीं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाउंड्री से जुड़ी हुई होती है, कनेक्टेड होती है, एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। और इसी वजह से ये गॉल्गी अपार्टस भी एक हिस्सा है सेल के मेम्ब्रेन सिस्टम का, सेल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। सिंपली कहना चाहे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कुछ भी मैन्युफैक्चर होता है, चाहे वो प्रोटीन है चाहे वो लिपिड है, वो गॉल्गी अपार्टस से होकर ही सेल के अलग अलग हिस्सों में जाता है, या बेसिकली गॉल्गी अपार्टस को तुम पाइपलाइन भी कह सकते हो, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाले मॉलिक्यूल्स गॉल्गी अपार्टस से होकर ही आगे जाते हैं। देखो आगे बताया भी गया है कि द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। बहुत ही सरल भाषा में कहा गया है कि जो कुछ भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, वो सबसे पहले तो पैक किया जाता है, फिर डिस्पैच कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है सेल के अंदर और सेल के बाहर थ्रू द गॉल्गी
अपार्टस। जो कुछ भी मटेरियल, चाहे वो प्रोटीन हो या लिपिड हो, जो कुछ भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है सेल के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए, वो गॉल्गी अपार्टस से होकर ही गुजरता है। इट्स फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। गॉल्गी अपार्टस क्या काम करती है? सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाले जितने भी मटेरियल होते हैं उनको स्टोर करती है, इकट्ठा करती है, उनमें मॉडिफिकेशन करती है। मॉडिफिकेशन मतलब ऐसे कह सकते हो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स निकलते हैं, जो सुगर्स निकलते हैं, वो काफ़ी सिंपल फॉर्म में होते हैं। इनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इनको बड़े रूप में बनाना गॉल्गी अपार्टस का काम होता है। तो भैया सबसे पहले गॉल्गी अपार्टस स्टोर करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाले जितने भी मटेरियल्स होते हैं, इनको स्टोर करती है, मॉडिफाई करती है, मतलब इनको नया बनाती है, फिर पैकेज करती है और अपने थ्रू सेल के अलग अलग हिस्सों में पास कर देती है। देखो यहां पर लिखा गया है कि इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स सुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल सुगर्स इन द गॉल्गी अपार्टस। मॉडिफिकेशन के बारे में मैंने अभी बताया ना कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाले जितने भी सिंपल सुगर हैं, जो बहुत ही सिंपल फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे फॉर्म में होते हैं, वो गॉल्गी अपार्टस में आने के बाद मॉडिफाई हो जाते हैं और एक बड़ा रूप ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सुगर्स बन जाते हैं। द गॉल्गी अपार्टस इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। गॉल्गी अपार्टस एक और जगह पर काम आती है, ये लाइजोसोम्स बनाने में भी काम आती है। अब लाइजोसोम्स क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम अपने अगले सेल ऑर्गेनेल की तरफ चलेंगे, लाइजोसोम्स। अभी इसके पहले हम पढ़ रहे थे गॉल्गी अपार्टस। हमने पढ़ा कि गॉल्गी अपार्टस का भैया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ये लाइजोसोम्स को बनाने में मदद करता है। अभी हमने लास्ट लाइन में पढ़ा, आपने ध्यान दिया होगा ना? बिल्कुल। देखो अब लाइजोसोम होता क्या है, इसका सेल के अंदर काम क्या होता है, ये दिखने में कैसा होता है, चलो पढ़ लेते हैं। देखो आगे लिखा गया है कि स्ट्रक्चरली लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। साफ साफ कहा गया है कि ये जो लाइजोसोम्स होते हैं, ये सेल के अंदर दिखते कैसे हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये लाइजोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, मतलब ये सेल के अंदर थैले की तरह होते हैं और इन थैलों के चारों तरफ क्या लगी होती है, मेम्ब्रेन लगी होती है, बाउंड्री लगी हुई होती है। अब इन थैलों में क्या होता है, इन थैलों में फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इन थैलों में डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरा हुआ होता है जो सेल के वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है, खत्म कर देता है। दीज एंजाइम्स आर मेड बाई RER। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये किस चीज से मिलकर बनते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया देखो जो RERs होते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उनके सरफेस पर राइबोसोम्स चिपका हुआ होता है। ये राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, कुछ प्रोटीन तो सेल के मेम्ब्रेन को बनाने में यूज हो जाता है, लेकिन बचा हुआ प्रोटीन एंजाइम्स एंड हार्मोन बनाता है। तो सीधा सीधा जो लाइजोसोम के थैले के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाते हैं। आगे देखते हैं, लाइजोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, ये सेल के डस्टबिन कहे जाते हैं। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम मतलब ये सेल के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा चीज आ गई है जिसे सेल के अंदर नहीं होना चाहिए, तो ये जो लाइजोसोम्स होते हैं, ये अपने तगड़े डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से उस बाहर की चीज को खत्म कर देते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं। दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। ये लाइजोसोम्स सेल को साफ सुथरा रखते हैं। सेल के अंदर अगर कोई फॉरेन मटेरियल आ गया है, कोई बाहर की चीज सेल के अंदर आ गई है जिसे सेल के अंदर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा अगर सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो अगर पुराने हो गए हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं,
तो उन चीजों को भी ये लाइसोजोम अपने डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट कर जाता है, जिससे हमारा सेल पूरी तरीके से साफ सुथरा हो जाता है। आगे देखते हैं कि फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइबोसोम्स। मतलब क्या कहा गया है? कहा गया है कि जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, जो बाहर से सेल के अंदर आते हैं, इसके अलावा जो सेल के खुद के ऑर्गेनल्स होते हैं जो अब काम नहीं कर रहे हैं, जो ओल्ड हो चुके हैं, वो लाइसोजोम्स के अंदर ही आकर खत्म हो जाते हैं, एंड अप हो जाते हैं। कैसे खत्म होते हैं? देखो, लिखा गया है कि विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस। कैसे खत्म होते हैं? क्योंकि ये जो लाइसोजोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाया जाता है, ये सभी बड़ी चीजों को, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस को छोटे 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 सिंपल सबस्टेंसेस में चेंज कर देता है या छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। आगे देखते हैं कि लाइसोजोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। ये लाइसोजोम्स फॉरेन मटेरियल को और सेल के खुद के ऑर्गेनल्स को कैसे तोड़ देते हैं? इन लाइसोजोम्स को जूडो कराते थोड़ी ना आते हैं कि ये किसी को भी तोड़ देंगे, किसी को भी फोड़ देंगे। नहीं 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 नहीं, इन लाइसोजोम्स कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इन लाइसोजोम्स के अंदर बहुत ही तगड़े डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ने में सक्षम होते हैं, जो किसी भी बाहर की चीजें अगर सेल के अंदर आ रही है तो उन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अगर कभी कभी क्या होता है कि जो सेल के फंक्शंस होते हैं वो ठीक तरीके से नहीं हो पाते हैं, जैसे ठीक तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाती, अगर उनका मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब एक सेल को जिंदा रहने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज करनी होती है, दैट एक्टिविटीज आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। अगर सेल के मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, अगर सेल अपनी एक्टिविटीज नहीं कर पाता, जैसे कभी कभी क्या होता है, सेल डैमेज हो जाता है। सेल डैमेज कब होता है? जब सेल ठीक तरीके से अपने अंदर हो रही एक्टिविटीज को कंप्लीट नहीं कर पाता, तो हम कहते हैं भैया सेल डैमेज हो गया है। तो जब कभी भी सेल डैमेज होता है ना, तो ये जो लाइसोजोम्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ही तगड़े पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये फूट जाते हैं, बस्ट कर जाते हैं, और इनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो पूरे सेल में फैल जाते हैं। जैसे ही सेल में फैलते हैं, ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। देख रहे हो, समझ जाओ कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कितने तगड़े होते हैं। ये बिल्कुल एसिड की तरह होते हैं, जहां जहां जाते हैं ये चीजों को खत्म कर देते हैं, जला देते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए हम लाइसोजोम्स को सुसाइड बैग का भी नाम देते हैं। मतलब ये सेल को खुद ही मार देता है। लाइसोजोम्स वैसे तो सेल के अंदर आने वाली चीजों को खत्म करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बना है, लेकिन कभी कभी जब सेल डैमेज हो जाता है तो ये लाइसोजोम्स फूट जाते हैं, जिससे इनके अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो पूरे सेल में फैल जाते हैं। जैसे ही सेल में फैलते हैं तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इतने तगड़े होते हैं कि भैया ये पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं, और इसी वजह से, यही कारण है कि इन लाइसोजोम्स को हम सुसाइड बैग का भी नाम देते हैं। समझ में आया? चलो चलते हैं अपने अगले सेल ऑर्गेनल की तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेल का। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी बनती है, और यही एनर्जी सेल के अलग अलग हिस्सों को पावर देने का काम करती है, इसलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया ना दो बाउंड्रीज से घिरा हुआ है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। जो माइटोकॉन्ड्रिया का बाहर का मेम्ब्रेन होता है वो काफी पोरस होता है, मतलब इनमें बहुत सारे होल्स होते हैं जिससे मटेरियल्स अंदर बाहर कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के। और जो दूसरा मेम्ब्रेन होता है, द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली
फोल्डेड, जो अंदर का मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है वो काफी मुड़ा हुआ है, काफी फोल्डेड है, आप यहां पर फिगर में देख पा रहे होंगे। अब ये मुड़ा हुआ क्यों होता है, ये क्यों फोल्डेड होता है? दीज फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। एटीपी को जनरेट करने के लिए, एटीपी क्या होता है, एटीपी एनर्जी का फॉर्म होता है, एक तरीके का एनर्जी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी एनर्जी जनरेट किया जाता है वो एटीपी के फॉर्म में ही जनरेट होता है। तो जो एटीपी को जनरेट करने के लिए जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो कहां होगा? वो इसी इनर मेम्ब्रेन के सरफेस पर होगा, और इसीलिए ये इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है, मुड़ा हुआ होता है। अब एटीपी क्या होता है यार, आप समझ नहीं पा रहे होगे, और केमिकल रिएक्शन किस तरीके का होता है जिससे एटीपी निकल जाता है? देखो भैया, एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडनोसिन ट्राई फॉस्फेट। कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है जिससे ये एटीपी निकलता है? एडीपी, मतलब एडनोसिन डाइफॉस्फेट, अगर फॉस्फेट के साथ मिल जाता है तो वो एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लेता है। मतलब पहले से ही दो मॉलिक्यूल थे, एडीपी डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट, तो तीन फॉस्फेट हो गए ना, जिससे हमारा एटीपी निकल जाता है, जो एनर्जी का एक फॉर्म है। समझ में आया किस तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है कि जब एडीपी फॉस्फेट के साथ मिलता है तब जाकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी निकलती है, जिसको हम एटीपी कहते हैं, ये जनरेट होता है। गॉट इट, समझ में आया? द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेल के अलग अलग हिस्सों को जो एनर्जी चाहिए होती है ताकि सेल अपने बेसिक फंक्शंस को कैरी आउट कर सकें, ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया इन्हें देता है एटीपी के फॉर्म में। समझ में आया? एटीपी का फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एडनोसिन ट्राई फॉस्फेट। देखो, एटीपी को सिंपली हम कैसे समझ सकते हैं कि एटीपी है क्या? एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें आज अगर किसी से काम कराना हुआ तो हम उसे पैसे देते हैं। पैसे किस फॉर्म में देते हैं? हम मनी, जो कि एक खुद का करेंसी है, जैसे नोट करेंसी कहलाती है, क्वाइंस करेंसी कहलाती है, बिल्कुल इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को अगर किसी को एनर्जी देना हुआ तो वो एटीपी के फॉर्म में ही देगा। एटीपी को इसीलिए हम एनर्जी की करेंसी कहते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अलग अलग हिस्सों को एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ही देती है, ठीक है? द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। जो माइटोकॉन्ड्रिया से निकलने वाला एटीपी है, जिसके अंदर एनर्जी छुपी हुई होती है, इस एनर्जी का यूज सेल के अलग अलग हिस्से करते हैं, और इससे अपने अंदर हो रहे जितने भी केमिकल एक्टिविटीज हैं, सेल को जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी एक्टिविटी करनी होती है उसके लिए एनर्जी चाहिए, उन्हें एनर्जी इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया से निकलने वाले एटीपी से मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस that they have their own DNA and ribosomes. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये बाकी सेल के हिस्सों से काफी अलग होता है। कैसे अलग होता है? वैसे तो हम जानते हैं कि ये जो DNA होता है ये केवल न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा स्पेशल सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का अपना DNA होता है और खुद का अपना राइजोजोम होता है, और इन्हीं राइबोसोम्स का यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया खुद के प्रोसेस में यूज होने वाले प्रोटीन को बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, और इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया बाकी सेल ऑर्गेनल से काफी अलग होता है। गॉट इट? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स की एक खासियत होती है कि ये आपको केवल प्लांट सेल में देखने को मिलेंगे, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। ये देखो, ये प्लांट सेल का पूरा स्ट्रक्चर है, और इसमें ये जो ग्रीन कलर का मटेरियल तुम्हें दिख रहा है यही प्लास्टिड कहलाता है। प्लास्टिड्स दो तरीके के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। पहला क्रोमोप्लास्ट और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब
कलरफुल प्लास्टिड्स और ल्यूकोप्लास्ट का मतलब कलरलेस प्लास्टिड। ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पत्तियों के सेल्स में पाए जाते हैं, लीफ सेल्स में पाए जाते हैं। और वहीं पर ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये रूट और शीड के सेल्स में पाए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज था, मैंने आपको बता दिया। याद रखना कि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, जो पहले टाइप का प्लास्टिड है, ये पत्तियों के अंदर पाया जाता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट है, जो दूसरे तरीके का प्लास्टिड है, ये रूट और शीट्स के अंदर पाया जाता है, क्योंकि ये कलरलेस होता है। पत्तियों के अंदर ये रह के क्या करेगा? कुछ नहीं। पत्तियां तो कलरफुल होती हैं, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए वहां पर केवल क्रोमोप्लास्ट नाम का प्लास्टिड पाया जाता है, और ल्यूकोप्लास्ट रूट्स और सीड्स में पाए जाते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। देखो, जो ये पहले टाइप का प्लास्टिड होता है जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, जो लीफ के सेल्स में पाया जाता है, इन क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, एक ग्रीन कलर का मटेरियल पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो ऐसा क्रोमोप्लास्ट जो क्लोरोफिल के साथ पाया जाए उसे हम एक नया नाम देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल प्लस क्रोमोप्लास्ट इज इक्वल टू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? कि ऐसे प्लास्टिड्स जिन्हें हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, अगर क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसे हम एक नया नाम दे देंगे, क्लोरोप्लास्ट बोल देंगे हम उसे। समझ में आया? क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। चूंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, इस वजह से ही तो हम इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं ना। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई ये प्लांट्स को खाना बनाने में भी मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल के अलावा भी कुछ और मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जो येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं। देखो, अब ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर प्रीमेली ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये दूसरे तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं जो प्लांट के रूट सेल्स और शीड के सेल्स में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? ये कुछ मटेरियल जैसे कि स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करने का काम करते हैं, इन्हें इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स embedded in a material called the stroma। ये जो आप first figure देख पा रहे हो, this is the figure of chloroplast। Chloroplast के अगर हम अंदर के structure की बात करें, अंदर के बनावट की बात करें, तो chloroplast के अंदर बहुत सारे membrane के layers होते हैं। आप ये देख पा रहे हो, बहुत सारे membrane के layers हैं, बहुत सारे membrane के layers हैं, और ये सभी membrane layers स्ट्रोमा के अंदर फिक्स होते हैं। स्ट्रोमा क्या है? ये जितने भी ग्रे कलर का तुम्हें स्पेस दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये सभी स्ट्रोमा कहलाते हैं। तो स्ट्रोमा के अंदर ये जो मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, दीज आर सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बाहर से दिखने में लगते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स भी डीएनए और राइबोसोम्स बनाने के काम में आते हैं। समझ में आया? वैक्यूल्स, और ये है हमारा आखिरी सेल ऑर्गेनल। देखो भैया, वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल नाम से ही क्लियर है, वैक्यूल्स का मतलब होता है खाली जगह या खाली स्थान। सेल के अंदर वैक्यूल्स का क्या काम होता है और ये कहां पाए जाते हैं? देखो, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। देखो, सेल के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा सॉलिड या लिक्विड चीजें पाई जाती हैं, सेल उन्हें इन्हीं वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करके रखता है। सिंपली हम वैक्यूल्स को सेल का स्टोर रूम भी कह सकते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल व्हाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी
लार्ज वैक्यूल्स। देखो एनिमल सेल के अंदर आप देख पा रहे हो जो पहली इमेज है ये एनिमल सेल की इमेज है। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स काफी छोटे होते हैं और जो सेकेंड इमेज है ये एक प्लांट सेल का है और इस प्लांट सेल में आप देख पा रहे हो कि वैक्यूल कितना बड़ा है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स मे ऑक्यूपाई 50-90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। किसी किसी प्लांट सेल में ये जो वैक्यूल होता है ये इतना बड़ा होता है कि सेल का 50-90% हिस्सा यही सेल वैक्यूल ही कवर कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। Got it? In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. देखो plant cells में क्या होता है, ये जो बड़ा सा तुम्हें खाली स्थान दिख रहा है जिसे हम vacuoles कहते हैं, इन vacuoles के अंदर ना cell sap भरा हुआ होता है। Cell sap क्या होता है? Cell sap आप simply कह सकते हो plant cell के जो vacuoles होते हैं उन वैक्यूल्स में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम सेल सैप कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल सैप होते हैं ये प्लांट सेल्स को टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब प्लांट सेल्स को स्वेल कर देते हैं, फुला देते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल को यही सेल सैप मजबूती भी देते हैं। ये सेल सैप कहां पाए जाते हैं? इन्हीं प्लांट सेल के वैक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। Got it? समझ में आया? Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles. बहुत ज़्यादा जो important materials हैं जो plant cell को survive करने के लिए चाहिए, उन materials को plant cell इन्हीं vacuoles के अंदर store करके इकट्ठा करके रखता है। कौन से मटेरियल्स? जैसे अमीनो एसिड्स हो गया, सुगर्स हो गए, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इन सारे मटेरियल को प्लांट सेल अपने वैक्यूल्स के अंदर ही छुपा के स्टोर करके रखता है। समझ में आया? इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अभी तक तो हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा, इनके अंदर जो वैक्यूल्स पाया जाता है उनका क्या काम होता है? द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट आर अमीबा हैज कंज्यूम्ड। मतलब क्या होता है? मतलब अमीबा एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, इसके पास जब एक ही सेल है तो भैया सेल का वैक्यूल भी तो एक ही होगा ना। बिल्कुल एक ही होगा। अब इस वैक्यूल में अमीबा क्या करता है? इस वैक्यूल में अमीबा जो भी खाना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कंज्यूम करता है उसको इन्हीं वैक्यूल के अंदर रखता है जब तक वो उस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर लेता। गॉट इट? जैसे हम इंसानों के पास पेट है, हम पेट में खाने को रखते हैं, खाना वहीं से डाइजेस्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही अमीबा के पास जो वैक्यूल्स होता है उन वैक्यूल्स में अमीबा फूड के मटेरियल्स को रखता है और तब तक रखता है जब तक वो डाइजेस्ट नहीं हो जाता। गॉट इट? इन सम यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्टेस फ्रॉम द सेल। कुछ और यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे प्रोटिस्टा हो गया, अल्गी हो गई, ये भी सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म हैं, इनके बॉडी में भी एक ही सेल होता है और एक ही सेल है तो वैक्यूल भी एक ही होगा, लेकिन इनके वैक्यूल कुछ दूसरा काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये जो प्रोटिस्टा और अल्गी के बॉडी में वैक्यूल पाए जाते हैं ये उनके सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है या कोई वेस्ट मटेरियल है उनको सेल के बाहर निकालने का काम करते हैं, सेल के बाहर एक्सपेल आउट कर देते हैं। समझ में आया वैक्यूल्स का क्या काम होता है? अब चलो भैया चैप्टर अंत करते हैं, चैप्टर के लास्ट में क्या कुछ टॉपिक है उसे पढ़ लेते हैं। सो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स क्या हैं, इनका काम क्या होता है सेल के अंदर, सेल हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करती है, इन सारी चीजों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। एट द लास्ट इस चैप्टर की समरी क्या निकल कर आती है? इस चैप्टर से हमने ये सीखा कि ईच सेल डज एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वेस। कहने का मतलब ये है कि ये जो सेल का स्ट्रक्चर है
और जो सेल अपना फंक्शन करती है ये क्यों कर पाती है? क्योंकि सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स होते हैं, सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल की एक्टिविटीज़ को बहुत ही आसानी से स्मूथली परफॉर्म करते हैं. द सेल दस हैज अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रिस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स. ये जो सेल का स्ट्रक्चर है यही इन्हें मदद करता है अपनी अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करने में. जैसे सेल के अंदर रिस्पायरेशन होता है, ये रिस्पायरेशन क्यों हो पाता है? सेल के स्ट्रक्चर की वजह से. सेल के अंदर न्यूट्रिशन बनता है, ये क्यों हो पाता है? सेल के स्ट्रक्चर की वजह से. बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर आ गए हैं वो सेल के बाहर भेज दिए जाते हैं, नए प्रोटीन्स बनाए जाते हैं. ये सारी एक्टिविटीज सेल अपने स्ट्रक्चर, अपने बनावट की वजह से कर पाती है. Thus, the cell is the fundamental structural unit of living organism. It is also the basic functional unit of life. इसलिए हम आखिर में ये कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं, ये सेल्स हमारे ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी या किसी भी एनिमल के बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं. मतलब इन्हीं सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनती है. बिना सेल्स के हम अपने किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. अगर किसी भी एनिमल, ह्यूमंस, प्लांट के अंदर का सेल ही डेड हो जाए तो वो अपने एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, वो भी डेड हो जाएगा. गॉट इट? चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ. सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन का काफी सिंपल सा मतलब होता है, नाम से ही क्लियर है, सेल का डिवाइड होना और नए सेल्स को बनाना. बस इसी प्रोसेस को हम सेल डिवीजन का नाम देते हैं. जैसे हम अपने इंसानों के अंदर का ही एग्जांपल ले लें तो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो. हम इंसानों के अंदर नए सेल्स बनते रहते हैं, लगातार नए सेल्स बनते रहते हैं ताकि हमारी बॉडी ग्रो करती जाए, बढ़ती जाए. हम जब छोटे बच्चे थे हमारी बॉडी में बहुत कम सेल्स हुआ करते थे, धीरे धीरे सेल्स ग्रो हुए और हमारी बॉडी भी ग्रो होने लगी. टू रीप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल्स एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन. एक तो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए नए सेल्स की ज़रूरत है, इसके अलावा जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो सेल्स हैं, जो पुराने हो चुके हैं, जो डेड हो चुके हैं या जो किसी तरीके से ख़राब हो गए हैं, अब उनको भी रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी में. इसके अलावा जब हम मैच्योर होते हैं हमारी बॉडी में जो गैमेट्स निकलता है, जैसे मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म. फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवम. इन गैमेट्स को भी निकलने के लिए नए सेल्स का आना बहुत जरूरी है. सेल का डिवाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन. मैंने बताया ना कि ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से नए सेल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, इस प्रोसेस को हम सिंपली सेल का डिवाइड होना या सेल डिवीजन कह सकते हैं. अब सेल दो तरीके से डिवाइड हो सकते हैं, एक तो माइटोसिस और दूसरा मियोसिस. अब ये माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके विद डेफिनेशन. नीचे आप पिक्चर देख सकते हो. माइटोसिस मतलब दो आइडेंटिकल सेल, दो एक जैसे सेल. और मियोसिस वहीं पर देख लो, चार सेल्स हैं लेकिन अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स की. चलो डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले है माइटोसिस. माइटोसिस क्या होता है? द डिवीजन ऑफ अ सेल ऑफ द बॉडी दैट रिजल्ट्स इन टू सेल्स ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द ओरिजिनल सेल. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि हमारी बॉडी का अगर कोई भी सेल डिवाइड होता है और दो नए सेल्स बनाता है, और जो दोनों नए सेल्स बने हैं उन दोनों सेल में उतने ही क्रोमोसोम हो जितने मदर सेल में हैं, तो इस टाइप ऑफ सेल डिवीजन को हम माइटोसिस का नाम देते हैं. जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये जो बड़ा वाला सेल है ये मदर सेल कहलाती है. इस मदर सेल के अंदर चार क्रोमोसोम हमें दिख रहे हैं. अब ये मदर सेल डिवाइड हो गई और दो नए सेल्स बना दिए इन्होंने. अब दोनों सेल्स जो तुम्हें दिख रहे हैं, इन दोनों सेल्स में चार
चार क्रोमोसोम्स हैं। तो इस तरीके का सेल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के बिल्कुल सेम हो, इस तरीके के सेल डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं। समझ में आया? चलते हैं, मियोसिस क्या होता है ये देख लेते हैं। सेकंड आता है हमारा मियोसिस, मतलब सेल दूसरी किस तरीके से डिवाइड होगा। माइटोसिस तो हमने देख लिया, ये है मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज द डिवीजन ऑफ अ जर्म सेल इंटू फोर सेक्स सेल्स ईच विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ द पेरेंट सेल। कहने का मतलब यह है कि इस तरीके का सेल डिवीजन जिसमें एक मदर सेल डिवाइड होके चार सेल्स बना दे, चार सेक्स सेल्स बना दे। इन्हें हम सेक्स सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि मियोसिस केवल एग सेल और स्पर्म सेल में ही देखने को मिलेगा। हम इंसानों में स्पर्म निकलता है, हाँ लड़कियों में एग निकलता है। अब यही एग और स्पर्म जब डिवाइड होते हैं तो ये चार सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो सेल्स, नए सेल्स जो बने हैं, इन सेल्स के अंदर जस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जितना मदर सेल के अंदर होता है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो, ये जो बड़ा वाला सेल है ये आप कह लो स्पर्म सेल है या एग सेल है या मदर सेल है, समझ गए। अब ये सेल डिवाइड होता है चार नए सेल्स में। आप मदर सेल में देख पा रहे हो चार क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन वहीं पर आप जो नए सेल्स बने हैं उसमें आप देख पा रहे होगे केवल दो 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 और दो क्रोमोसोम्स हैं। मतलब ऐसा सेल डिवीजन का टाइप जिसमें मदर सेल डिवाइड होके चार नए सेल्स बना ले, लेकिन जस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो नए सेल्स में। मतलब मदर सेल में अगर चार क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल में दो ही क्रोमोसोम हो, ऐसे सेल डिवीजन को हम मियोसिस का नाम देते हैं। तो यही समाप्त होता है हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर से आपके कुछ टर्म्स क्लियर हो गए होंगे, कुछ टर्म्स आपको समझ में नहीं आए होंगे। हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने क्वेरी को डालिए, हम एज सून एज पॉसिबल आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं एक और धमाकेदार चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल एंड जय हिंद। हाय, इस तेजी से बदलती दुनिया में आप अपने आप को कैसे बदलोगे? आप अपने नॉलेज को कैसे चेक करोगे और कैसे अपग्रेड करोगे? आपको ये कैसे पता चलेगा कि आज जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कल मेरे काम आने वाला है? कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत लो लेवल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और दुनिया मुझसे कहीं आगे निकल गई हो? तो भैया, इस चीज में आपको हेल्प करेंगे ओलंपियाड के एग्जाम्स। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, आपको ओलंपियाड का एग्जाम जरूर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओलंपियाड एग्जाम्स पैन इंडिया लेवल पर होते हैं, जिससे आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हो और लाखों रुपए अपने पढ़ाई में स्कॉलरशिप के रूप में पा सकते हो। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको एक बताने वाला हूँ। ये 2012 में एस्टेब्लिश किया गया था। जो देश के बड़े साइंटिस्ट थे, एकेडमिक्स थे, उन्होंने इंडियन टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया था। अब ये है क्या? ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप पैन इंडिया लेवल पर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करके पूरे इंडिया में कॉम्पीट कर सकते हो, कि आप चेक कर सकते हो कि मेरा लेवल क्या है। और अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो ना, तो आपको लाखों रुपए स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाते हैं और बहुत सारे रिवार्ड्स दिए जाते हैं। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि अगर आपका जो सिलेबस है, जैसे आपके सिलेबस में अगर आप क्लास 1 to 10 के बीच में पढ़ रहे हो, तो आपका जो सिलेबस है, मैथ्स होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, कंप्यूटर होता है, इंग्लिश होता है, एसे होती है, ड्राइंग होती है। अब इन सभी सब्जेक्ट्स में से कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, जिसको पढ़कर आपको लग रहा होगा कि मुझसे अच्छा इसमें कोई नहीं है, है ना? लग रहा होगा ना? तो क्यों ना इसे पूरे इंडिया में चेक किया जाए कि आप कौन से रैंक में हो। आप ऐसा इंडियन टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले स्कॉलरशिप ओलंपियाड एग्जाम्स में बैठकर चेक कर सकते हो। इंडियन टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन हर साल एनुअल बेसिस पर और मंथली बेसिस पर ओलंपियाड्स कंडक्ट कराती है क्लास 1 to 10 के बच्चों के लिए। अब इस ओलंपियाड में बच्चे इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, सोशल साइंस,
ए से, ड्राइंग और भी अपने जो फेवरेट सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट में ओलंपियाड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उन्हें लाखों रुपए रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाता है और ढेरों पुरस्कार भी मिलते हैं। केवल फर्स्ट रैंकर नहीं बल्कि पैन इंडिया लेवल पर, स्टेट लेवल पर जितने भी 200 रैंक के अंदर बच्चे आते हैं उन सभी को रिवॉर्ड्स मिलता है। सिलेबस क्या है, क्या मुझे अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा? नहीं, आप जिस क्लास में हो अगर आप उस क्लास का ओलंपियाड देते हो तो आपका जो सिलेबस है केवल वही सिलेबस आपके ओलंपियाड में पूछा जाता है। तो कैसे पार्टिसिपेट करें? indiantalent.org करके एक वेबसाइट है, ये इंडियन टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाओ, स्टूडेंट इंडिविजुअली इस वेबसाइट पर डाल के जाकर अपने डिटेल्स को फिल करके इस ओलंपियाड में हिस्सा ले सकते हैं और लाखों की स्कॉलरशिप और बहुत सारे रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। मैंने लिंक इस वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लिंक पर क्लिक करो और वेबसाइट को ज़रूर चेक करो। वहाँ पर आपको बहुत सारे सपोर्ट मटेरियल्स मिल जाएंगे जो इन ओलंपियाड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प करेंगे। सो गो फॉर इट।